एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। हमें गिवन है एक्स प्लस वाई की वैल्यू माइनस 4 एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। अच्छा चलो देखो, पहले जिसको हमने फाइंड आउट करना है उसमें फोर टर्म्स हैं, ठीक है, क्यूब वाली भी टर्म्स हैं, कितनी बन रही हैं? सैनिटाइज कर लेंगे। एक्स का क्यूब है ये वाई का क्यूब है, ये मुझे नहीं पता किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, अब बताओ। क्यूब में थ्री वाला किया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब किया हुआ है, होल क्यूब, होल क्यूब, यू आर सेइंग होल क्यूब, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज। है जीरो, क्या करें फिर? कंडीशन क्या थी उसकी? हाँ तो इसमें बन रही है वो चीज क्यों? अगर मैं इसको ऐसे ले लूं x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, कांट आई राइट इट इन दिस वे? अब क्या बना? हाँ तो 3abc क्या बना? हाँ तो 12xy वैल्यू है फिर। आपने कहा कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो इक्वल टू 3abc होता है, मैंने वो भी फॉर्म आपको बना के बता दी, तो ये इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो वो इक्वल टू 12xy आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू है मेरे पास, इट मींस 3abc आपने डायरेक्ट नहीं लगाना, तो क्या करेंगे? माइनस है, फॉर्मूला याद है? इसको एक सेकेंड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये बन रहा है इक्वल टू क्या होता है? मैंने वैसे ये लिख दिया, अदरवाइज फॉर एग्जाम यू नीड नॉट डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने x प्लस y इक्वल टू माइनस 4 सोच के लिख दिया था इसको। चलो अब ये किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी प्लस सी अब क्या करें? x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4 है, फिर कहाँ, किससे? Easiest way बताओ, चलो। हाँ, x plus y की वैल्यू पुट की क्या है? तो अब अगर मुझे ये ब्रैकेट नहीं भी पता क्या है क्या नहीं, जीरो इंटू एनीथिंग इज
ठीक है जी, सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो। गॉट इट। तो यहाँ पे अदरवाइज क्या होता है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो जैसे हमें x प्लस वाई इक्वल टू सम अदर वैल्यू गिवन होती कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो ना बन रहा होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू से डिवाइडेंड, टू से मल्टीप्लाई करके टू एक्स वाई वाली फॉर्म यहाँ पे बना देते हैं, फिर यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली आपको वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये फिलहाल जीरो इंटू एनीथिंग जीरो वाला कंसेप्ट लग गया आपका, बट सिर्फ इसमें आपने वही करनी है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो और वैल्यू फाइंड आउट करनी है डायरेक्ट जिसमें निकल रही होगी, अदरवाइज ऐसे नहीं आएंगे आपके, मतलब जहां पे फॉर्मूला यूज हो रहा है दैट यू नीड नॉट डू। अब नेक्स्ट जो है देखो हमें गिवन है, If a square plus b square plus c square is equal to 250, if a square plus b square plus c square is equal to 250 and ab plus bc plus ca is equal to 3, then find a plus b plus c. वैल्यूज देखो किस किस की गिवन है और क्या निकालना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है, वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर्स में वैल्यू गिवन है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू टर्म्स के प्रोडक्ट्स में वैल्यू गिवन है, तो सिंपली विद पावर वन सम हमने निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमने निकालना है स्क्वायर्स में हमें गिवन है, इसका मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूले सारों ने बोलने हैं साथ में ताकि आपके रिवाइज हो जाए, नहीं आता तो ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे पता है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इट मींस ये मुझे वैल्यू गिवन है, अगर मैं यहाँ से टू कॉमन ले लूं तो ये वैल्यू मुझे गिवन है, पुट करो एंड गेट योर आंसर, करो इसको कंप्लीट। हाँ जी, टू कॉमन लेके वैल्यू पुट कर दो, टू फिफ्टी सिक्स किसका स्क्वायर है, 14 कौन बोला, पॉजिटिव वैल्यू यू विल टेक सो दैट इज इक्वल टू 16। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, हमें गिवन है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ओके नोट इट डाउन, स्टेटमेंट इरेज कर दो तब तक मैं नेक्स्ट वाले की स्टेटमेंट लिख देती हूँ। वैसे यहाँ पे ना आपका ए बी सी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो आंसर आपका प्लस एंड माइनस 16 दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो एक चीज का आपको मैंने शायद बताया भी हुआ है कि जब हम रूट लेते हैं दूसरी साइड पे तो प्लस और माइनस दोनों लेने हैं आपने, तो फिर यहाँ प्लस माइनस दोनों ही ले लो। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं किया वेदर वी आर टू गिव द पॉजिटिव वैल्यू, वी आर टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू और द नेगेटिव वैल्यू, तो आप दोनों शो कर। ठीक है, चलिए अब ये वाला हो गया बच्चे नोट डाउन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे a प्लस बी प्लस सी जो है वो गिवन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है वैल्यूज।
answer. Is this done? ये वाला हो गया, जल्दी करो. हमें गिवन है 2x plus 3y की वैल्यू 8 गिवन है, xy की वैल्यू 2 गिवन है. We are to find the value of 4x square plus 9y square. ठीक है, 2x plus 3y का अगर मैं देखूं तो 2x का square बन रहा है 4x square, 3y का square बन रहा है 9y square. तो हम क्या करेंगे, जो हमें given है, हमें क्योंकि squares में value निकालनी है तो हम squaring both sides कर लेंगे. So squaring both sides करके क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया. Simplify करो, this is 4x square प्लस 9xy प्लस 2ab, यानी कि 2 2s are 4, 3s are 12xy एंड दिस इज इक्वल टू 64. xy की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 into 2 इज इक्वल टू 64. 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की मेरे को वैल्यू निकालनी है और 12 into 2 यानी कि 24 मैं इधर ले गई. So this value is 40. Method clear? Here it is square. अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे. वी आर गिवन इफ 3x माइनस 7y इक्वल टू 10 एंड xy इज इक्वल टू माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर. ये हो गया नोट डाउन, चलो करो. अगेन देखो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर है, माइनस 7y का स्क्वायर 49 है, तो फिर से सेम मेथड यूज करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके. सो डू दिस योरसेल्फ, दिस इज 49y स्क्वायर नो कैलकुलेशन चेक करो. 3x माइनस 7y होल स्क्वायर 100 हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला लगाया, 9x स्क्वायर प्लस 49xy माइनस 42xy यहाँ पे माइनस 42 इंटू माइनस 1 प्लस 42 हो गया और उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा. गॉट योर मिस्टेक. एक्स वाई की वैल्यू हमें माइनस 1 गिवन है तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस 42 हो जाएगा, प्लस 42 फिर से इधर जाके माइनस हो जाएगा. तो 100 में से जब आप माइनस 42 करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 58. ठीक है, ये तो था कि जब हमें जो है इस तरीके से गिवन है और स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. अब नेक्स्ट टाइप हम उठा रहे हैं जिसमें हमें
स्क्वायर की वैल्यू जो है वो गिवन है और इस तरह वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। सो राइट डाउन इफ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 20, इफ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड xy इज इक्वल टू 6, देन फाइंड 2x plus y, find the value of 2x plus y. तो अगेन अब स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे 2x plus y है, इसका स्क्वायर ये बन रहा है, ठीक है? तो हमने फिर इसको ही लेके चलना है, तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे 2x plus y whole square, this is equal to, same जैसे उसमें फॉर्मूला लगा रहे थे, a square plus b square plus 2ab, 2 2s are 4, xy. अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है, ये वाली है और ये वाली है, पुट करो और फिर रूट ले लोगे तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है? तो फॉर्मूला आपका सेम लगा, सिर्फ साइड्स जिन पे वैल्यूज पुट करनी थी वो हमने चेंज कर दी। 4x square plus y square मुझे 20 गिवन है, 4 into xy आपका एक सेकेंड, आई थिंक दिस इज 40 गिवन, दिस वन इज 40, परफेक्ट स्क्वायर वाला ही आएगा आपका। हाँ तो ये 64 बन गया, बिल्कुल ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 8 विद प्लस माइनस साइन, स्क्वायर ले रहे हो जब, तो 8 का स्क्वायर भी 64 है, माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 है, तो इट मींस 2x प्लस y जो है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब एक क्वेश्चन लिख लो, ये खुद ट्राई कर लेना। टुडे यू आर हैविंग योर टेस्ट आल्सो, तो एट व्हाट टाइम यू वांट मी टू पोस्ट द टेस्ट? 3 o'clock इज ओके। ओके आई विल डू वन थिंग कि मैं टाइम लिमिट नहीं, मतलब 40 मिनट्स का रखूंगी। मैं वही आपको बता रही हूँ, इफ यू पीपल आर हैविंग सम प्रॉब्लम, ठीक है, घर लेट पहुंचते हो जैसे स्कूल से, या एनी अदर इफ प्रॉब्लम यू आर हैविंग, मैं आपका टाइम रखूंगी 9 o'clock तक आप अपना टेस्ट कर पाओगे, ठीक है? लेकिन टाइम लिमिट उतनी ही मिलेगी आपको 35 मिनट्स की, 10 क्वेश्चंस विल बी देयर, 35 जो है आपकी टाइम लिमिट होगी, 35 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, बट 9 के बाद फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हाँ जी, क्विज है ना, इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है, एंड इट इज कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट, दैट्स व्हाई मैं टाइम लिमिट नहीं रख रही हूँ। लेकिन टाइम लिमिट इस सेंस में साथ में जरूर होगी कि मिनट्स आपको 35 ही मिलेंगे जितने बजे भी आपने शुरू की, ठीक है? और उसमें मैंने एक कंडीशन और भी, ये भी डाल देनी है कि अगर आपने वो टेस्ट सीन कर लिया है तो उसके बाद अगर आप वापस मतलब चले जाते हो तो आप सबमिट नहीं कर पाओगे। वंस अगर एक बार आपने उसको ओपन कर लिया तो दोबारा ओपन नहीं होगा, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलो अब एक क्वेश्चन लिख लो, ये खुद करोगे, इसी टाइप का है। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर 181 गिवन है, एंड xy माइनस 6 गिवन है, तो यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y। सेम मेथड फॉलो करोगे, हाँ जी, और आंसर मेरे को प्लस माइनस दोनों फॉर्म्स में देना। कौन बोल रहा है आंसर? साथ में कोई साइन नहीं है, मैंने अभी क्या बोला है? प्लस माइनस में, यस प्लस माइनस 1 आएगा आपका आंसर।
एक बार पीछे वाले बच्चे के देखना जरा, नोटबुक दिखाओ इस बच्चे को, आर यू डूइंग और नॉट, ये वाला सम सॉल्व किया है इसने या नहीं। रोहन क्या आया आंसर करो। फाइव का स्क्वायर क्या होता है? तो वहां क्या लिखा है? 25। 5y का स्क्वायर क्या होएगा? 25y स्क्वायर। हाँ जी आ गया प्लस माइनस वन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, इसका आंसर आपका प्लस माइनस वन आ रहा है। इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर यू कैन आस्क। ओके फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। We are given 2x plus 3y equal to 13 और 8x cube plus 27y cube की value निकालनी है, यानी कि उसके cube की value निकालनी है। 2x का cube 8x cube, 3y का cube 27y cube। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? Cubing both sides कर देंगे। तो cubing both sides जब आप करोगे, what you will get? So cubing both sides क्या आ जाएगा? This is a cube plus b cube plus 3ab मैंने बेटे ये वाला लगा दिया, ब्रैकेट खोले बिना, क्योंकि वैल्यूज मेरे पास 2x plus 3y की है ना, तो अगर मैं 3a² b plus 3ab square लगाती हूँ तो फिर उसमें मेरे को कॉमन लेके दोबारा a plus b वाली फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू जो है, दिस इज इक्वल टू 13 का क्यूब क्या आता है? 1937।
चलिए अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगी, बाकी सब टर्म्स ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे. दिस इज 2197 माइनस हो जाएगा ये 3 2 6 3 18 इंटू एक्स वाई इंटू 2x प्लस 3y. यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रही है तो पहले वैल्यूज पुट कर लो फिर उधर नहीं जाओ, पहले वैल्यूज पुट कर लो इनकी फिर आंसर वो कर लो उधर ले जाओ, क्योंकि अगर अदरवाइज क्या है आप यहाँ भी नेगेटिव साइन कर दोगे वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया 3 2 6 3 18 एक्स वाई इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2197 ये एज इट इज. अब इसको नहीं हमने छेड़ना क्योंकि ये वैल्यू मुझे निकालनी है. सो दिस 18 इंटू एक्स वाई कितना गिवन है 6, 2x प्लस 3y कितना गिवन है इज इक्वल टू दिस. अब इसकी कैलकुलेशंस बताइए क्या आई. वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर और उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इज इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस क्यों, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट थोड़ा लिए, 793. ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाना क्योंकि वहां पे जो हम करते थे जो लेते थे तो एक तरह से हम इधर रूट ले रहे होते थे तब हम प्लस माइनस लगाते थे. क्यूबिक में जो आपका साइन है वो साइन एज इट इज लेके चलोगे, वैसे भी हमने यहाँ पे क्यूब रूट नहीं लिया है तो उसकी जरूरत ही नहीं है आपको. इन केस अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो अगर पॉजिटिव का क्यूब रूट ले रहे हैं पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव का क्यूब रूट ले रहे हो तो नेगेटिव आंसर आता है. सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म्स में या इवन टर्म्स में जब आप प्रोडक्ट लेते हो या उसकी जो है इवन रूट लेते हो देन यू टेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यूज. So next we are having तभी मैंने कहा ना कि वो वाला डायरेक्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, अदरवाइज आप वैल्यू नहीं ना पुट कर पाओगे अगर आप वो स्टेप्स बढ़ गए ना, पहले आपने वहां मल्टीप्लाई कर दिया फिर वापस दोबारा उसी फॉर्म में लाए, दो स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो गो फॉर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. चलिए नेक्स्ट लिखिए, इफ वी आर गिवन ए प्लस बी इक्वल टू 10, ए प्लस बी इक्वल टू 10 गिवन है, ए बी इक्वल टू 16 गिवन है हमें, ए प्लस बी 10, ए बी इक्वल टू 16 एंड नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यस माइनस ए बी, ये वैल्यू मुझे निकालनी. अब वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की, किसमें आता है ये फॉर्मूला आपका, वहां पे क्या आता है उसमें क्या आता है, चलो ए माइनस बी होल स्क्वायर आप कह रहे हो, क्या फॉर्मूला होता है उसका, 2ab होता है उसमें, एंड हेयर आई एम हैविंग ए प्लस बी. बेटे वैल्यूज देखो किस किस की गिवन है, इतनी क्या कंफ्यूजन है, किस किस की वैल्यू गिवन है, ए प्लस बी की गिवन है, ए बी की गिवन है, निकालनी किसकी है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की निकालनी है, ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, तो ये क्या रिड्यूस हो गया, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, करो कैसे करेंगे, क्यूब कहां से आ गया मैडम जी, अच्छा फिर
ओके फिर क्यूब कहां से निकालोगे फिर ये बताओ मुझे, आप क्या कह रहे हो? अच्छा चलो बोलो, आप कह रहे हो कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं? यू आर सेइंग दिस वन ना दिया। चलो अब देखो, इट मींस मुझे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी ये मैं फॉर्मूला यूज कर पाऊंगी ना। मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं गिवन है, और अगर मैं ये ले रही हूँ, अब मुझे सिर्फ ये फाइंड आउट करना है जिसके लिए मुझे ये गिवन है, ये गिवन है। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लूं, यहाँ पे मुझे डबल काम करना पड़ेगा ना, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर वो वैल्यू यहाँ पुट करूंगी, फिर मेरी ये वैल्यू निकल रही है। ठीक है, तो गो फॉर स्क्वायर। क्वेश्चंस घूम फिर के जो मर्जी यूज करो, निकल आएंगे आंसर्स आपके। आपको बस ये चेक करना है जो आप मेथड यूज कर रहे हो, आपका जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कम रहे। बताइए क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? 60। हाँ ठीक है, 68 आ रहा है। इसमें वैल्यू पुट कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। हो जाएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बच्चे इफ एनी डाउट इज देयर, यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जो है यूज करनी है, एंड देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो इसमें पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।